तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे बड़े नाना हैं जो कि ये खाद मतलब छींटने जा रहे हैं। तो आप बताइए नाना कि खाद क्यों छींट रहे हैं आप। हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। कैसे आप सभी? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज आप लोग को दिखाने वाले हैं कि आज हमारे यहाँ खेत में धान रोपाई का शुरुआत हो रही है। आज से मतलब स्टार्टिंग है धान रोपाई का, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी जिसके कारण कादो नहीं हो रही थी। तो आज से स्टार्टिंग है धान रोपाई का, तो चलिए दिखाते हैं। और फिलहाल अभी टाइमिंग जो हो रही है गाइस, 12 बज रही है। और अभी थोड़ा आए हैं साइकिल से, देख सकते हैं तो पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। तो चलिए लेट नहीं करेंगे दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं कि कौन कौन अभी धान रोपाई करेंगे और कौन कौन जो कि हल जोत रहे हैं। हम दरअसल की गाइस पहले आ जाते, लेकिन हमारा काम मिल गया था बकरी बैल चराने का, तो 12 बजे तक हम वही चरा के और खाना वाना खा के आए हैं खेत। कुछ काम था, कुछ लेने आना था। और गाइज आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का जो नाना लोग का खेत है वह घर से जो कि 3 किलोमीटर दूर है गाइज। ठीक, तो चलिए लेट नहीं करेंगे, आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए, पूरा एंड तक देखिएगा गाइज वीडियो, काहे कि विलेज लाइफस्टाइल ब्लॉग है और तो यह झारखंड से रिलेटेड है, क्योंकि हर झारखंडी जो किसान होते हैं दोस्तों, और जो कि सावन का महीना चल रहा है, तो सभी किसान भाई बंधु लोग अपने अपने खेतों में पूरा मगन होंगे, पूरा बिजी होंगे, उसके बाद ही लोग फ्री हो पाते हैं, क्योंकि धान रोपाई करके ही सब लोग फ्री होते हैं। तो चलिए दिखाते हैं गाइस आगे, कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो गाइज मेरी सिस्टर जो कि स्कूल छोड़ के इधर काम कर रही है, तो मेरी सिस्टर के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यही तो किसान की ज़िंदगी है दोस्तों, कितना मेहनत लगता है एक चावल कमाने में, उगाने में, और यही चावल को लोग फेंक देते हैं किन्हीं पार्टी और शादी के दिनों में। तो दोस्तों आप लोग से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी खाइएगा उतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकें। अगर आप सभी हमारी बातों से सहमत हैं दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस चैनल अजय ब्लॉग्स को हमेशा सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि एक से अनेक ब्लॉग ला सकूं मैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ मोबाइल देखने आया है, इतना माटी लसरा लिया जैसे बहुत काम करके बैठा है। ने? तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इधर मतलब बिहीन नानी लोग, मामी लोग, क्योंकि हम लोग का भी आज धान रोपाई हो रही है और हमारे बड़ी नानी लोग को भी। तो देखिए ये हमारे नाना हैं, इधर का व्यू काफ़ी देखने लायक है दोस्तों, देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा, हरा भरा। देखिए दोस्तों मामी लोग, अभी रक्साने का काम चलते ही है दोस्तों, इसलिए अभी एको खेत मतलब धान रोपाई नहीं हुई है। अभी इसको पहले छीटेंगे, उसके बाद फिर धान रोपाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मौसम भी बहुत अच्छा है दोस्तों, अभी पानी नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे बड़े नाना हैं जो कि ये खाद मतलब छींटने जा रहे हैं। तो आप बताइए नाना कि खाद क्यों छींट रहे हैं आप यहाँ पर खेत में? खेत में खाद नहीं छींटेगा तो इसमें क्या होगा, घास हो जाएगा, केमिकल डाल कर मारते हैं खाद को तो घास नहीं होता है। अच्छा, मतलब कोई भी कीटाणु यहाँ पर मतलब मार देता है खाद ना? खाद में मार देता है, कीटाणु मार देता है और धान को हरियाली करता है, पूरा कीड़ा मकोड़ा से दूर रखता है, दूर रहता है। देखिए बहुत अच्छा, तो आप बता सकते हैं नाना जी कि मतलब ये कौन सा खाद है? यूरिया, यूरिया, यूरिया नहीं, डीएपी है। डीएपी, जैसे डीएपी काला होता है? हाँ काला होता है, जैसे खाद हमारा काला है वैसे धान काला होगा एकदम। अच्छा, तो ये कौन सा केमिकल इसमें डाला गया है?
इसमें इसमें पोषण वाला केमिकल है जो कि घास को मरता है। घास को, इसे घास बढ़ने नहीं देगा ना? नहीं, घास होने ही नहीं देगा खेत में। अच्छा, चलिए तो आप लोग जान लिए दोस्तों कि मतलब ये पॉइजन इसमें क्यों डाला जाता है, इसमें केमिकल घास ताकि ना हो खेत में और अच्छा तरह से धान उपजा हो और पूरा मतलब धान का बाल हो और अच्छा से खेती हो। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बताएं इसलिए। ठीक है, और भी कुछ बताना चाहते हैं? और अभी क्या बताएंगे, अभी नहीं, फिर एक महीना का बाद जो ऐसे यूरिया खाद डालेंगे उसको बड़ा होने के लिए। अच्छा, इसका फायदा तभी नजर आएगा ना एक महीने के बाद? हाँ, तो इस केमिकल का फायदा एक महीने के बाद नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, और जो है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है नाना, बता दीजिए। अभी अभी तो पहले तो ये जुलाई था, जुलाई खत्म हो गया ना क्या? हाँ, जैसे सावन भादो होता है ना, तो अभी कौन सी चल रहा है अभी इसको? हम तो हम लोग का हिसाब से तो भादो होना चाहिए, बाकी इसको सावन माना जा रहा है। अच्छा, तो दोस्तों अभी जो कि भादो होना चाहिए लेकिन अभी सावन ही माना जा रहा है, अभी सावन खत्म नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी, मतलब सोमारी भी पूजा करना भी बाकी है। बाकी है। हाँ, तो देख सकते हैं इस तरह का नज़ारा हम लोग का इधर खेत, हम लोग बड़े नाना लोग, देखिए इतना सब हमारे नाना लोग का इधर गोतिया का इधर ही खेत है दोस्तों। रेती नहीं है, गर्म मुजरवा ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर इधर का नज़ारा देखिए। मामी लोग इधर बीहन ला रही है, देखो उधर में खाद को डाल रहा है, उधर उधर देख सकते हैं दोस्तों कैसे खाद। तो दोस्तों क्या समझे आप हमारे नाना जो बोले, उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी किसान होंगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इधर देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा यहाँ बीन है, और जो है कि ये हमारी नानी है जो बीन ला रही है, और हमारी मम्मी और हमारी सिस्टर पूनम लोग अभी काम कर रही है, और ये हमारी भाभी। तो गाइस अब हम चलने वाले घर, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए हमको यहाँ रुकना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कि हम जो काम से आए थे दोस्तों, फाइनली वो काम होकर, और देख सकते हैं हम ये लेने के लिए आए थे गाइस। इसमें है आलू और भी कुछ है, अचार है जो कि मेरी मम्मी लाई थी गाइस मेरे घर से, डायरेक्ट भैया आए थे छोड़ने के लिए, तो डायरेक्ट खेत में ही यहाँ छोड़ दिए। क्या कि यहाँ पर धान रोपाई का काम करेंगे मम्मी, और उसके बाद घर जाएंगे यहाँ मामा घर। मामा घर से मेरा घर करीबन 13-14 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करेंगे दोस्तों, आप लोग का यह छोटा सा नज़ारा, छोटा सा व्यू खेती बाड़ी का कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।